अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इट्स मी असारा हियर। और हियर की स्पेल मैंने गलत लिख दी है, आई एम सॉरी। आज मैं लेकर रही हूँ आपके पास बड़ी भी एक इंटरेस्टिंग सी कोट। आज हम एक कोट पे बात करेंगे फ्रेंड्स, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड हियर इज द कोट। समटाइम्स यू हैव टू मेक अ डिसीजन डेट विल ब्रेक योर हार्ट बट विल गिव पीस टू योर सॉल। या आपको मालूम है फ्रेंड्स, कभी कभी हमें ज़िंदगी में कुछ ऐसे फ़ैसले करने पड़ते हैं जिनको करने से हमारा दिल दुख जाता है, टूट जाता है। लेकिन आपको मालूम है कि वही फ़ैसले हमें असल में हमारी रूह को सुकून पहुंचा देते हैं। एग्री करते हैं आप मेरी बात से? चलिए इस बात को मैं थोड़ा सा यू एक्सप्लेन करती हूँ। आपको पता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ताल्लुकात, कुछ रिश्ते, कुछ नाते ऐसे होते हैं जिसमें दूसरा शख्स, ख्वाह वो औरत हो या मर्द, वो एक अब्यूसिव माइंड का पर्सन होता है, एक नार्सिसिस्ट होता है, एक ईगोइस्ट होता है, जिसके पास एक ही बात होती है, मैं, आई एम राइट ऑलवेज, एंड आई कैन नेवर एवर बी रॉन्ग। ऐसे शख्स के साथ नाता बनाने में ना आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे शख्स का दिल जीतने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आप चाहते हैं कि आप उसको जीत लें, आप चाहते हैं कि आप किसी तरह से उसको बता सकें कि आप उसकी कितनी केयर करते हैं, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। मैं तो ये कहूँगी कि यू मेक अ मैस विथ योर माइंड। उस शख्स के साथ लड़ते लड़ते या इनफैक्ट अपने साथ लड़ते लड़ते आप उसको समझाते समझाते या शायद खुद को समझाते समझाते टूट जाते हैं, हार जाते हैं। तो फिर ऐसा रिश्ता क्या हुआ? वो आपकी रूह को सुकून तो नहीं दे रहा ना? इसलिए ऐसा रिश्ता, ऐसा नाता या कोई ऐसा डिसीजन जो आपके जहन के लिए सुकून का बायस ना हो, ले लेना चाहिए, जो आपके लिए आपकी रूह को सुकून पहुंचाए, अगरचे ऐसा फैसला करते वक्त आपका दिल टूट रहा हो। तो जिस आथे की मैंने ये कोटेशन बयान किया ना, वो भी यही बात कह रहा है। बड़ी मज़े की बात वो कह रहा है कि कभी कभी कुछ डिसीजन लेते वक्त हमारा दिल टूट जाता है, हमें लगता है हम ख़त्म हो गए, हम मर गए, ये नहीं होगा हमसे। लेकिन वो डिसीजन लेने के बाद हमें एहसास होता है कि असल में हमने अपनी रूह को कितना सुकून दिया है ये सब करके। जी हाँ, ज़िंदगी में कुछ नाते, कुछ रिश्ते, कुछ फैसले अगरचे कर रहे होते हैं, हमारा दिल दुखा देते हैं, हमें तोड़ देते हैं, हमें लगता है देयर इज़ नो लाइफ After that, or after taking that specific decision, लेकिन जब इतना हार्डली हम वो डिसीजन ले लेते हैं ना, तो उसके बाद हमें एहसास होता है कि असल में हमने अपनी रूह को सुकून दिया है कुछ फैसले कर लेने से। दिल तो टूट जाता है लेकिन रूह का सुकून मिल जाता है। और फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि दिल भले टूट जाए, रूह का सुकून कहीं नहीं जाना चाहिए। आप अपनी झोली में दुनिया भर की आसाइशें, दुनिया भर का सुकून, दुनिया भर की खुशियाँ सब कुछ डाल दें, लेकिन आपका जहन, आपकी रूह पुरसकून ना हो, देन बिलीव मी, तब आपको मालूम होता है कि असल में तो आप कंगले हैं, आप असल में तब गरीब हुए हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो रूह का सुकून होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और आखिर में आप सब खुश